मेरे पापा की डेथ हुई थी इस साल जनवरी में, और मैंने एक टैटू बनवाया है निर्वो और निर्वैर का। जो टैटू की इंक थी उसमें उनकी एशेज मिक्स किए हैं, उस जिसके वजह से वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और टैटू का मतलब है कि किसी से डरना नहीं और किसी से नफरत नहीं करना। पापा हमेशा यही चीज़ सिखाते थे, इसलिए मैंने उसका टैटू बनवाया। अभी ऐसे होता है कि टैटूज कोई गलत फील्ड नहीं है ना कोई ये है, तो नॉर्मली लोगों की उससे ज़िंदगी भी बदलती है। जैसे कि किसी को विटिलिगो होता है, जैसे कि किसी को 40 व्हाइट स्पॉट आते हैं बॉडी के ऊपर जो पूरी फैलते जाते हैं और उसका कोई इलाज नहीं होता, ना डॉक्टर कर पाते हैं ना कोई कर पाता है, तो वो भी टैटू के जरिए ठीक हो सकता है। जैसे कि उनके स्किन का कलर मैच करके वो फील कर सकते हैं कलर, तो नॉर्मली उनकी स्किन के जैसे ही पूरा हाथ दिखेगा जो उनको व्हाइट स्पॉट था, तो उनको रिग्रेट भी नहीं होगा जिंदगी भर के लिए और एकदम क्लीन हो जाएगी उनकी स्किन। टैटूज के मतलब इतने अलग अलग और अच्छे अच्छे हो सकते हैं कि किसी के जिंदगी के साथ हमेशा रहेंगे वो। नॉर्मली जैसे कि कुछ भी एक होता है, पापा के लिए करते हैं, मम्मी के लिए डेडिकेट करते हैं, किसी के लिए करते हैं, तो जिंदगी के साथ हमेशा जब तक कि वो मरती नहीं तब तक टैटू हटता नहीं है। याद और अच्छी चीज़ें टैटूज के जरिए हो सकती है, तो उसकी जो इमेज है वो ख़राब कर रखी है पहले से, तो ऐसे कुछ है नहीं। मेरी एक फ्रेंड थी मेगा, जिसके पापा की डेथ हो गई थी इसी मंथ में, तो उनके पापा का बर्थडे था आज, तो उसको एक उसके पापा के लिए डेडिकेट करना था टैटू, और उसके पास उसके पापा की कुछ एशेस थी जैसे अस्थियाँ थी, तो उसका बोलना था कि मैं वो इंक में मिक्स करके अपनी बॉडी में करती हूँ ताकि वो उसके पापा के हमेशा यादें उसके साथ रहेगी और उसको ऐसा लगे कि पापा मेरे साथ ही है। उसके पापा उसको एक चीज़ हमेशा सिखाते थे जो निर्भो निर्भय, किसी से डरना नहीं और किसी से नफरत नहीं करना, तो उसने बस वही लिखवाया उसके से कि उसको हमेशा वो याद भी रहेगा उसके पापा उसको क्या बोलते थे और उसको लगेगा उसके एशेज है उसके अंदर, तो उसके पापा की ऐसी फील रहेगी उसके साथ।